नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आज मेरे साथ हमारे मुख्य विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता नीलेंद्र मिश्रा जी। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपाक्स आंदोलन को लेकर। मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी रणभेदी बच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने कहीं ना कहीं खुले तौर पर चुनाव प्रचार की रणभेदी शुरू कर दी है। पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने रोड शो किया भोपाल में, तो कुछ ही दिन बाद नरेंद्र मोदी भी आ पहुंचे भोपाल में जनसभा को संबोधित करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी या कांग्रेस का बिगुल बजेगा? और अगर इन दोनों पार्टियों के बीच में कोई दखल डालने वाली चीज आ रही है तो वह है सपाक्स, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष संवाददाता से। सर, मैं जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने देखा, अभी राहुल गांधी जी ने दौरा किया, फिर मोदी जी आ गए और सपाक्स ने कुछ दिन पहले ही आंदोलन किया था, तो कितना असर डालेगा सपाक्स आंदोलन, क्योंकि सपाक्स अब चुनाव लड़ने जा रहा है? देखिए, अभी भाजपा चौथी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है, पर ऐसा लगता है एकदम से भाजपा की चौथी बार सत्ता में वापसी में एकदम ब्रेक लग गया हो, और भाजपा को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इन चुनाव के मौके पर यह क्या हो गया। मध्य प्रदेश में 148 सीटें हैं जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें ओबीसी भी आते हैं, वो सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि भी आते हैं, और मध्य प्रदेश में 35 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पे एससी की सीटें हैं, और 47 सीटें ऐसी हैं जो एसटी की सीटें हैं। ये देखने में आया कि जिस तरह से कांग्रेस का 1998 में जो प्रदर्शन था, उसके बाद लगातार कांग्रेस का वोट बैंक कम हुआ। अब वोट बैंक तो उतना ही होता है, निश्चित है जनसंख्या में भी इजाफा हुआ है, पर भाजपा ने मेहनत करी तो उनका वोट बैंक बढ़ा, तो वोट बैंक बढ़ने से सामान्य वर्ग या ओबीसी या एससी एसटी सभी लोगों का वोट बैंक बीजेपी का बढ़ा। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का वर्चस्व था वहां बीजेपी का वर्चस्व, तो निश्चित ही इस सपाक्स के बीच में कूदने से सबसे बड़ा जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो भाजपा को ही देखने को मिल रहा है। नहीं, पर अभी सपाक्स ने घोषणा कर दी कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये फाइनल है चुनाव लड़ेंगे? हाँ, निश्चित है। 2013 के सिनेरियो में जाए तो कांग्रेस के 36% वोट थे और भाजपा को 45% वोट मिला था, यानी 9% का जो बीच में अंतर था। अब सपाक्स यदि मैदान में कूदती है तो मध्य प्रदेश में करीब 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर के वोटों से हार जीत हुई थी, तो वहां बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा, यहां पर हमने बात की, इन्होंने बताया कि अगर सपाक्स मैदान में कूदती है तो नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक में बढ़ोतरी भाजपा की हुई थी और उन्हीं के वोटों में सेंध लगाएगी सपाक्स। अब सपाक्स ने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो तैयारी में भी है पूरी तरीके से, तो क्या लगता है कि भाजपा के कितने विधायक तोड़ेंगे और कांग्रेस के कितने तोड़ेंगे? ये तो अभी आने वाले समय में नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता है। होता है, बिल्कुल होगा, और इस बार कुछ ज्यादा होगा क्योंकि भाजपा में सत्ता के प्रति लालसा लोगों की बढ़ी है, तो कॉम्पिटिशन बहुत है। कांग्रेस वैसे ही 14 साल से मध्य प्रदेश में वनवास में है, तो कांग्रेस तो हाथ पैर मार रही है। कांग्रेस आज भी स्थिर स्थिति में नहीं है मध्य प्रदेश में, तो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे दिखता है वो भाजपा की ओर ही दिखता है। पर कहीं ना कहीं अभी दोनों पार्टियों ने लॉलीपॉप दे दिया है सपाक्स के नेताओं को, खुले मंच से शिवराज सिंह जी ने भी कह दिया है, कहीं ना कहीं समर्थन दिया है आपकी बातों को लेकर कि किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं होने देंगे, आपके पक्ष में उन्होंने बात रखी है। सिंधिया जी ने भी कहीं ना कहीं बयान दिया है कि कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ, तो क्या लगता है, क्या सपाक्स अपना स्टैंड चेंज करेगा कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सपाक्स को जो लोग चला रहे हैं वो स्वस्फूर्त चला रहे हैं, कोई राजनीतिक ताकत और राजनीतिक शख्सियत उनके पीछे नहीं है। हाँ, बीजेपी जरूर ये मानती है, बीजेपी इस चीज में मरहम लगाने का काम कर रही है कि ये आंदोलन प्रो कांग्रेस है। सपाक्स को मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई समर्थन है, वो तो स्वस्फूर्त है, उसका सबसे बड़ा कारण है आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट तो एक माध्यम मिल गया भाई। एट्रोसिटी एक कानूनी मामला है, यदि मैंने आपके खिलाफ, मान लो आप एससी से आते हो, मैं जनरल से आता हूँ, मैंने यदि आपके साथ कोई बदतमीजी कुछ
ये तो कानून अपने दायरे में काम करेगा। देखिए कोई भी संगठन किसी ना किसी माध्यम से ही आता है, पर अंत में जब चुनाव की बात आ जाती है तो ये सब कानून अपनी जगह है। अब बात आ गई है चुनाव लड़ने की, सपाक्स चुनाव लड़ेगा, सवर्ण वर्ग चुनाव लड़ेगा, तो जब चुनाव लड़ेगा तो इसका नुकसान सीधे तौर पर हम मान ले कि भाजपा को नहीं। ये मैं बताता हूँ, जैसे मालवा नेवाड़ क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस बहुल क्षेत्र हुआ करता था, पिछले 10 से 12 साल में भाजपा ने मेहनत की, वो मालवा नेवाड़ क्षेत्र की 65 सीटों में से अधिकांश सीटों पर, मैं कहूंगा 85% सीटों पर भाजपा का कब्जा है। आप बिंद चले जाए, बिंद में तो थोड़ा सा बैलेंस है, पर आप चंबल इलाका देखें, चंबल इलाका में भाजपा को बहुत बड़ा डैमेज होगा। मालवा निवाड़ उज्जैन में तो आप देख रहे हैं सपाक्स का आंदोलन कितना उग्र होता जा रहा है, तो निश्चित है ये डैमेज भाजपा को ही होगा। नहीं, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी बहुत सारे सवर्ण लोग हैं, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कांग्रेस को इसलिए होगा, कांग्रेस अभी लाइन में ही नहीं है, कांग्रेस लाइन में नहीं है, क्योंकि सत्ता में भाजपा है और जो वर्तमान निर्णय लिया है वो किसने लिया है? भाजपा ने। तो हम ये मान लें कि दिल्ली की तरह कुछ होने वाला है, ना भाजपा ना कांग्रेस, सिर्फ मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि उस तरह की नहीं है, क्योंकि जब 1998 में मायावती ने एक प्रयोग किया था वो मध्य प्रदेश में सफल नहीं हुआ, तीसरी ताकत के रूप में नहीं उभरी। हाँ, एक बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में जो बीएसपी का वोट बैंक था 7% वो स्थिर रहा है, तो इस चुनाव में चंबल क्षेत्र से, बिंद के कुछ क्षेत्र से बसपा को बढ़त मिलेगी। हो सकता है कि 1998 का बसपा प्रदर्शन दोहराए, तब 11 सीटें थी, अब फिर वो 11 या 12 सीटें लेके आ जाए। नहीं, पर बसपा का तो अभी कोई माहौल दिख नहीं रहा है मध्य प्रदेश, माहौल नहीं दिख रहा, पर ध्रुवीकरण तो हो रहा है वोटों का, आम चर्चा करते हैं तो एक, और ये बड़ा दुखद बात है कि समाज में एक वैमनस्यता जो एकदम अचानक आई है और इसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, सवर्ण वोटर बहुत ज्यादा संख्या में है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा हम माने तो वहां पर एसटीएससी वर्ग ज्यादा सक्रिय है, हमारे यहाँ जो वोटर है वो सवर्ण वर्ग से ज्यादा आता है, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और सब मिलाकर, तो कितना असर डालेगा चुनाव पर? चुनाव पे निश्चित बात है इस बार नोटा का परसेंटेज बढ़ेगा, पिछले चुनाव में 6-6.5 लाख वोट नोटा को मिले थे, इस बार ऐसा नहीं। नोटा दबाने का फायदा किसको? नोटा तो एक फायदा नहीं, क्योंकि हमें कोई भी स्वीकार नहीं है इसलिए नोटा होता है, नोटा के बारे में भाजपा कुछ एक अलग प्रचार कर रही है। नहीं, पर वो जो नोटा में जाएगा वो वोट किसका था और किस में चला गया? नहीं है, एक विचार वैचारिक बात आएगी कि हम इनको पसंद नहीं करते क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है, मूल आधारित राजनीति नहीं करते, इसलिए नोटा दबाता है आदमी। तो हम निश्चित तौर पर मान लें कि सपाक्स इस बार मध्य प्रदेश में नया कुछ करने वाला है, नया धमाल मचाने वाला है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सपाक्स के कारण राजनीतिक गणित बिगड़ेंगे, तीसरा मोर्चा तो खड़ा नहीं हो पाएगा, पर सरकार बनाने का जो भाजपा का 100-200 पार का नारा है वो तो खैर संभव ही नहीं है, 200 पार लाना, 230 सीटों में से 200 अधिक सीटें लाना संभव नहीं है, वो 2014 की परिस्थितियां भी नहीं है। पर ये कहना भी गलत होगा कि सपाक्स बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ कमाल दिखाएगा, क्योंकि भाजपा के मंत्री, तमाम नेता, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर मैदान में उतर गए, भाजपा ने अपने 6 मंत्रियों को सपाक्स के लोगों को समझाने के लिए, उनको मनाने के लिए मैदान में उतार दिया है। जहां तक ब्राह्मण समाज के मंत्रियों की बात है, खास तो इस टाइम पूरा टारगेट ब्राह्मण समाज पे है। जी बिल्कुल, तो ब्राह्मण समाज के जो मंत्री भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पहले सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, तो अचानक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होने से कोई लाभ मिलेगा? मैं नहीं समझता कि उसका लाभ मिलेगा। हाँ, एक चर्चा और जरूर चलने लगी कि अब कुछ सीट का सिनेरियो बदलेगा तो भाजपा अब अधिक मात्रा में ब्राह्मण कैंडिडेट उतार सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं नीलेंद्र मिश्रा जी, जो कि विशेष संवाददाता हैं। उन्होंने हमको बताया कि कहीं ना कहीं भाजपा अब सवर्णों को भी तवज्जो देगी और कांग्रेस भी सवर्णों को तवज्जो देगी। इस बार चुनाव में आपको सवर्ण उम्मीदवार ज्यादा की संख्या में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सपाक्स ने घोषणा कर दी है चुनाव लड़ने की। और इस बीच में नया ट्विस्ट यहां पर देखने को आ गया है कि जहां पर पहले एसटीएससी के लोगों को बड़ी तवज्जो दी जाती थी, इस बार चुनाव में सवर्ण जाति के लोगों को भारी तवज्जो यहां पर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए खबर समय जगत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।